इस सवाल में क्या बोल रहा है, अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो यहां पे हम बोलते हैं कि 100 रुपया है तो 75 रुपया खर्च करता है, 25 रुपया बचा लेता है। अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। आय में बोलता है 20% वृद्धि हो गई, 100 रुपया का आय था, देखो नीचे 120 लिखा, हो गया ना 20% बढ़ गया। तो उसने खर्चा क्या करता था 75, उसमें 10% बढ़ गया, मतलब 75 का 10% 7.5 हुआ, तो हमने जोड़ दिया 87.5 हुआ। और 87.5 रुपया खर्चा करता है, 120 रुपया कमाता है, तो घटाते हैं तो 32 रुपया 50 पैसा वो बचाता है। देखिए अब यहां से जो है इस मैथ में एक ट्रिक्स, मतलब एक तरीका शुरू होता है। पूछा था कि इस परिस्थिति में उसकी बचत कितना होगी, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं आप सीधा बोलते हैं कि भैया 32.5 वर्ष 120 रुपए में होता है तो 100 रुपए में कितना होगा, ये नहीं पूछा है। इसने पूछा है कि उसकी जो बचत होती थी अब उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या है कि अभी 32 रुपये 50 पैसे होते हैं, पहले 25 रुपया होता था, तो बढ़ा कितना 12.5 रुपया बढ़ा। और कहां से बढ़ा, तो 25 रुपये से बढ़ा। तो देखिए 12.5 बटे 25 ये भिन्न हो गया, और इसको प्रतिशत में बोलना है तो गुना 100। फिर से मैं दोहराता हूं, देखो पहले 100 रुपया था तो 75 रुपया खर्चा करता था तो 25 रुपया बचता था। अब बोलता है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई तो 100 रुपये की जगह 120 रुपया होगा। अब जब ज्यादा कमाने लगा तो खर्चा भी थोड़ा ज्यादा किया तो 10% उसने खर्चा बढ़ा लिया, तो 75 में 7.5 रुपया और जुड़ गया तो 87 रुपया। अब 120 से अगर 87 रुपया 50 पैसा घटाते हैं तो कितना होता है 32 रुपया 50 पैसा। अब क्या बोलता है, अब बोलता है क्या है कि उसके बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, इस तरह के कुछ सवाल आते हैं और क्या होता है वो फिड़की बन जाता है, एकदम गुगली बन जाता है और एकदम चारों खाने लोगों को चित्त कर देता है। तो इसमें यह बोला है कि 32.5 अभी हो रहा है बचत, पहले कितना होता था 25, तो कितना बढ़ा भैया, तो 32.5 से हम 25 घटा देंगे तो 12.5 होगा। और ये कहां से बढ़ा है, तो 25 रुपये से बढ़ा है। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 12.5 बटे 25 करेंगे। और हम जानते हैं भिन्न को अगर दशमलव में अगर दिखाना होता है तो क्या होता है, सीधा 100 से गुना कर देते हैं तो गुना 100 होगा। अब 100 को 25 से काटेंगे तो 4 होगा, 4 से अगर 12.5 को गुना करेंगे 4 12 48 और 0.5 का 4 बार गुना करेंगे तो 2, तो हो जाएगा 50%। तो देखिए ये मैथ में एक जगह है, वो आपका जो है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये जो है इस परिस्थिति में उसकी बचत कितनी होगी वो बोला हुआ है, मतलब प्रतिशत में बोलने के लिए। लेकिन देखो कहीं बोला भी नहीं है, आपको ऑप्शन देके समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने एकदम एक क्या कहते हैं एग्जाम का क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल में था। अगर मैं ऑप्शन को नहीं देखूं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और यही एसएससी के एक पैटर्न का खासियत है। तो यहां पे आपको ऑप्शन को देख के समझना होगा और समझते हुए इसको करना होगा।